जय हिंद प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जैव विविधता क्या होती है, उसके संरक्षण के उपाय लिखिए। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जैव विविधता क्या होती है, उसके संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। दोस्तों, ये प्रश्न आपका 10th 12th और सभी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, चाहे वो आपका यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, ऑल इंडिया एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और हम आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझाने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान या उपस्थित किसी पारिस्थितिक तंत्र वो दोस्तों क्या होता है, इकोसिस्टम होता है, ठीक है ना। तो किसी पारिस्थितिक तंत्र में उपस्थित या विद्यमान सजीव प्राणियों जैसे दोस्तों पौधे व जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। दोस्तों क्वेश्चन है आपका कि जैव विविधता आखिरकार क्या होती है, तो हम आपके नॉलेज के लिए बता दें कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान यानी उपस्थित सजीव प्राणियों जैसे दोस्तों जीव जंतु है ना व पौधे की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। दोस्तों जैसे दोस्तों कई प्रकार के जीव जंतुओं की जो समूह होता है, तो जो आपस में उनकी जो विविधता होती है उसको जैव विविधता कहा जाता है। चाहे वो आपके कई प्रकार के जो होते हैं मच्छर वगैरह हों, है ना, मक्खियाँ हों, ठीक है ना, तो इस प्रक्रिया को जो है जैव विविधता कहा जाता है। तो एक बार और देख लेते हैं कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान सजीव प्राणी पौधे व जंतुओं की विविधता को जैव विविधता कहा जाता है। उदाहरण है मेरे प्यारे दोस्तों, किसी क्षेत्र में कीड़े मकोड़ों की विविधता, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र है तो उसमें कीड़े मकोड़ों की, ये क्षेत्र मान लीजिए, तो इसमें क्या है, कीड़े मकोड़ों की जो विविधता होती है वो आपकी जैव विविधता कहलाती है। अगला जो है आपका उदाहरण, जीव जंतुओं की विविधता, अब इसको हम संरक्षित कैसे रख सकते हैं, जो जैव विविधता होती है इसका हम संरक्षण किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके संरक्षण के उपाय हम देख लेते हैं। सबसे पहला है कि प्रकृति में उपस्थित विविध जीव जंतु पेड़ पौधों को संरक्षित रखना। दोस्तों जो प्राकृतिक में दोस्तों जो हैं हमारे जो जीव जंतु हैं पेड़ पौधे हैं उनको क्या करना, संरक्षित रखना, ये जो है जैव संरक्षण का प्रथम उपाय है दोस्तों। अगला है दोस्तों, आनुवांशिक विविधता से उस जाति का संरक्षण संभव है। दोस्तों देखिए, आनुवांशिक जैव विविधता को भी संरक्षित रखना अनिवार्य है, ठीक है ना। जैसे आजकल क्या है कि कई जातियां जो हैं विलुप्त की कगार पर हैं, आपने देखा होगा कि जो जिराफ है वो तो बिल्कुल विलुप्त हो चुका है दोस्तों, क्योंकि उसको संरक्षित नहीं रखा गया, उस समय जो है सरकारों द्वारा उस पर ध्यान नहीं दिया गया, जिस कारण से वो प्रजातियाँ क्या हैं विलुप्त हो गई हैं, सॉरी, ठीक है ना। तो आनुवांशिकता विविधता से उस जाति का संरक्षण संभव है दोस्तों, यदि उसका जो है आपका स्पर्म वगैरह आप बचाते तो उस जाति को आज हम क्या है सुरक्षित रख पाते। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यानों की सहायता से दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, सरकारों को जो है राष्ट्रीय उद्यानों पर भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। यदि हम क्या है राष्ट्रीय उद्यान सरकार क्या है अधिक से अधिक बनाएगी, तो उससे क्या है हम कई जातियों को जो है विलुप्त होने की कगार से बचा सकते हैं, उनको हम एकदम सेफ तरीके से जो है रख सकते हैं उन जातियों को बचाकर। तो इसलिए कहा गया है कि राष्ट्रीय उद्यानों की सहायता से, यदि राष्ट्रीय उद्यान होंगे तो हम उन जातियों को जो है संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, प्राणी उद्यानों की सहायता से दोस्तों, यानी जैसे चिड़ियाघर है ना, तो चिड़ियाघर में भाई साहब जंतु रहेंगे तो उनका क्या है, जैसे बाहर कई लोग क्या है कि उनको जैसे आप संरक्षित रखना चाहिए, और जैसे उपाय क्या है कि भाई साहब जो है पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंधित होना चाहिए, जिससे भी क्या है हम जो आने वाली जो जीव जातियाँ हैं उनको भी हम संरक्षित रख सकते हैं। तो ये थे मेरे प्यारे दोस्तों 4 पॉइंट, और एक बार और देख लेते हैं कि जैव विविधता क्या होती है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में विद्यमान या उपस्थित सजीव प्राणियों, सजीव क्या होते हैं जो सांस लेते हैं, चलते फिरते हैं, घूमते हैं, तो वो होते हैं सजीव प्राणी। सजीव प्राणियों जैसे पौधे व जंतुओं की विविधता को हम जैव विविधता यहाँ पर कहा जाता है दोस्तों। तो ये थी आपकी जैव विविधता की परिभाषा और उसको किस प्रकार संरक्षित रख सकते हैं, और उदाहरण इस वीडियो में हमने बताए दोस्तों।
तो वीडियो अच्छा लगता है तो अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए। जो भी साथी अभी तक चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो चैनल को जो लाल बटन दिख रहा है वहाँ पर जाकर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।